तो यार आज की इस वीडियो का पूरा पूरा फोकस होने वाला है चिकन डिनर के ऊपर, क्योंकि यार बहुत दिनों से मैं देख रहा हूँ अपन खेल रहे हैं, अपन किल ले रहे हैं, लेकिन जैसे जैसे हम आखिर की तरफ जा रहे हैं चिकन डिनर हो ही नहीं पा रहा है, पता नहीं क्यों। लेकिन चलो आज देखते हैं इन दो वीडियोज़ में चिकन डिनर हो पाता है कि नहीं। दो बार मौका दूंगा मैं एंड दोनों बार देखते हैं क्या सीन बैठता है, कितने किल रहते हैं। फिलहाल तो हॉट ड्रॉप पे उतर चुके हैं एंड बंदे तो ठीक ठाक आ रखे हैं, लेकिन एक बंदा नीचे ही है गाइस, एक बार भी है ये बंदे को भाई, मेरे दोस्त ने हेडशॉट मार दिया, तो मतलब मेरे को जाने की जरूरत नहीं पड़ी। और गाइस इन दोनों को जो हमने निपटाया है ना, ये ऊपर से कूदेंगे, सो ध्यान रखना पड़ेगा हमको जैसे मैं ऊपर देखता हूँ गाइस। एंड हियर वी गो गाइस, जैसे मैंने ऊपर देखा मतलब अब देखता हूँ ऊपर, और ये बंदा उतर आता है, शायद पहले भी मारा था लेकिन इस बार भी मारूंगा, देखने जरा पीछे की तरफ उतरा है शायद, मेरे टीममेट को पता नहीं है, तो जितनी जल्दी हो सके मेरे को उस तक पहुंचना पड़ेगा। और हियर वी गो गाइस, ये बंदा दो दो बार मर गया भाई यहाँ पे, चलो फाइनली निपटाया इसको। और देखते गाइज और ऊपर से उतर रहे हैं कि नहीं, लेकिन गाइज ये जहाँ होटो पे ना, इसके आसपास जो है गाड़ी वाड़ी मिल जाती है इजीली, तो हमने सोचा क्यों ना निकलते हैं गाड़ी पकड़ के झट से। हमने गाड़ी उठाई, झट से आते दूसरे वाले होटो पे, क्योंकि वो वाला होटो जो है वो सबसे लास्ट वाला होटो था, क्योंकि हम दोनों पे उतना भूल गए थे। तो अब आते हैं यहाँ पे, यहाँ पे इतने सारे बंदे थे ना गाइज, इतने सारे बंदे थे लिटरली, हम होटो से पहुँचने से पहले भी कर गए, देखो क्या होता है। गाइस अभी आप देख सकते हो हॉट ड्रॉप सामने है, लेकिन हम पहले ही बिखर चुके हैं, एक बंदा नॉक हुआ, दूसरा बंदा नॉक हुआ, मैं भी ऑलमोस्ट नॉक ही समझ लो, तीनों पूरी टीम यहीं पे फिनिश हो जाती है। वैसे चिकन डिनर कितनी दूर है अभी यार, लिटरली मतलब 10-20 मिनट खेलूंगा तब जाके चिकन डिनर होगा, बट यहाँ पे तो हम पहले ही मरने वाले। अब सर्वाइव कैसे करूँ, मैंने सोचा एक काम करते हैं, हील लगाई मैंने, अब इस बंदे को निपटाना था, लेकिन तभी मैं देखता हूँ मेरा टीममेट तो मेरे बाजू में नॉक हो रखा है, सो इसको तो रिवाइव कर ही सकते हैं। मैंने बोला यार नीचे आ, तेरा दिमाग है कि नहीं, नीचे आ भाई, तेरे को मैं रिवाइव दे देता हूँ। मतलब मेरे को लग रहा था इतनी दूर दूर है, फिर भी देखो मतलब कहाँ पे बैठे हुए थे ये लोग। खैर मैंने इसको कैसे तैसे करके बुलाया, और जैसे इसको बुलाया तो मैं वैसे हील देने लग जाता हूँ, लेकिन सामने वाला बंदा वो तो दिमाग है उसमें भी, वो मस्त ऐसा लेट लेट के बिल्कुल बिल्कुल ऊपर आ जाता है, और उसने टीममेट को फिनिश कर दिया। अगेन मैं बचा हुआ हूँ, पूरी टीम की दारोमदार मेरे ऊपर, लेकिन ये बंदा थोड़ा डंप भी होता है भाई, बग्गी कितनी क्लोज लेट हो गई, तो भाई कहाँ से आपकी गन निकलेगी, गन की नोक ही फंस जाती है शायद बग्गी में। लेकिन गई खतरा भी टला नहीं था, क्योंकि दूर से भी कहीं से पड़ रही थी, आई डोंट नो कौन सा बंदा मार रहा था मेरे को इतनी दूर से। लेकिन ये जो पेटिया था मेरे टीममेट की, ये कहीं ना कहीं मेरे काम आने वाली है, इसके अंदर एक फर्स्ट एड थी जो कि मेरे को बहुत बहुत ही ज़्यादा अर्जेंट बेसिस पर चाहिए थी, जो कि मैंने लगा ली। अब तुम्हारे भाई जस्ट रश करेगा, क्योंकि एक बार हालत सही होगी ना, उसके बाद तो रश कर ही सकते हैं। अब जो जो बंदे मार रहे थे ना गाइस, देखो मेरे टीममेट भी जिंदा हो चुके हैं सब, अब हम डायरेक्ट जो है पुश कर सकते हैं। सबसे पहले जाएंगे ऊपर वाले बंदों के, जो कि हमको इतनी दूर से मार रहे थे गाइस, लेकिन इनकी भी फाइट हो रही है कहीं और बंदों के साथ। चलो निपटाते हैं, यहाँ पर थोड़ा सा मैं गलती जगह पर रुक गया हूँ गाइस, ट्राई करते मारने का, और एक स्प्रे में दोनों गए, बेचारे हील नहीं लगाई थी। ये टीम नीचे किसी और टीम के साथ लड़ रही थी बेचारे, पता नहीं मतलब कुछ ज़्यादा इनका जो है बीच में हो गया, मतलब कह सकते हो आप यार ये सैंडविच बन गए। एक नीचे दिखा भाई, मेरे को हेड ही हेड दिखता है, और चलो इसको भी फिनिश कर दिया। अब निकलते गाइस जल्दी से यहाँ से बग्गी लेके, क्योंकि जब तक बग्गी रहती है तब तक आदमी जो है अपने अपने रास्ते निकल सकता है। अब नीचे की तरफ एक बग्गी आई थी अपनी, याद है वो, देखो बंदा ओपन में जा रहा है गाइस, ये कहीं ना कहीं कवर में आ गया तो मेरे को मार देगा, सो मेरे को इसको कवर में आने से पहले निपटाना पड़ेगा। जल्दी से जाते सामने वाली ब्रोकन वॉल पे, जंप एंड शूट, और हेड हेड लेके बंदे को पैसे मारा जाता है, इसको पीछे से भी डैमेज हो रखा था गाइस। तो चलो निकलते हैं, चिकन डिनर के बहुत क्लोज है, जल्दी जल्दी करते हैं चिकन डिनर। फिलहाल जो है यहाँ पे तीन फ्लेयर चल रखी थी गाइस, तीन, एक नहीं दो नहीं तीन फ्लेयर चल रखी थी गाइस, और फायरिंग तो तगड़ी वाली हो रही थी। चार बंदे तो थे ही यहाँ पे, दो फ्लेयर तो गाइस मेरे ऊपर ही आ रही है, अब देखना क्या होता है यहाँ पे। उससे पहले कि मैं एक एक करके निपटाना स्टार्ट करूं, यार क्या कहूं मैं, किस्मत, और किस्मत भी नहीं गाइस, सबसे पहले तो मेरे टीममेट्स को देखो, मैं कवर में गया, अब मैं कवर में हूं, मुझे रिवाइव मिल सकता है, लेकिन क्या जरूरत थी भाई उठाने की, क्या जरूरत है मेरे को समझ नहीं आया। लिटरली कवर में हूं मैं, रिवाइव दो यार मेरे को, लिटरली उठा के मेरे को कवर के बाहर लेके जा रही, ऊपर से दो, मतलब क्या कहूं गाइस इन दोनों के लिए, दो शब्द आप कमेंट में जरूर लिखना, मतलब क्या। अब वो छोड़ो, उससे भी बड़ी डम वाली चीज़ इन्होंने ये वाला मैच में करी, देखते रहो जरा, ये तो यहाँ पे उतरे, मेरे को यहाँ पे गन नहीं मिली, खैर थोड़ी देर बाद तो गन मिली जाती है। उसके बाद जो है मैं रश करता हूँ अंदर वाले बंदे के ऊपर, एक टीपी थी विदाउट वेस्ट गया था, वो बंदा मेरे सामने, जहाँ मर्जी भागे लेकिन बच नहीं पाएगा,
क्योंकि डैमेज हो रखा था गाइस इस बंदे को, तो इनको निपटाना स्टार्ट करते हम जल्दी जल्दी से, और इसकी लूट भी कहीं ना कहीं ले लेता हूँ। पीछे की साइड कुछ बंदे थे लेकिन बाहर थोड़ी ज़्यादा ही यार फुटस्टेप आ रहे थे, तो जाने का मन नहीं कर रहा था। मैंने रिलोड किया, अब मैंने सोचा ऊपर से मारते गाइस, क्योंकि ऊपर से मारेंगे तो थोड़ा सा यहाँ पे जो है एंगल भी मिलेगा हमको ज़्यादा बेटर वाला, तो यहाँ से मारते हैं। भाई ये चल क्या रहा है, मेरे को कुछ समझ नहीं आ रहा यार, कौन किसको मार रहा है। लिटरली मैं बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हो गया था गाइज। यहाँ पे अपने टीममेट को भी देख रहा हूँ, वो भी पागलों की तरह सामने बंदा है गाइज। चलो फाइनली फाइनली वो बंदा तो मिला जिसको जिसको मारने वाले थे। अभी फिलहाल गाइज इस बंदे को भी निपटा दिया, लेकिन बाहर की साइड एक कुछ बंदे हैं, तो चलो देखते हैं उनको भी। यहाँ से जंप करके ट्राई करता हूँ मारने का, बंदा इधर ही साइड है गाइस कहीं पे। चलो यहाँ से जंप करते हैं, अंदर की साइड बंदा कहीं गया है नहीं गाइस, इस कंटेनर के पीछे भरते हैं इसको भी। और फाइनली दोनों को निपटा देता हूँ गाइस। फिलहाल ऊपर देख रहा था गाइस तो कोई और तो नहीं आ रहा था, लेकिन अब आ रही है यहाँ से निकलने की, कुछ और बंदे ना कूद जाए उससे पहले कि ऊपर से। तो चलो यहाँ से निकलते हैं, मैं एक बंदा और कूदा गाइस, एक बंदे को मैंने देख लिया है। अब तो मैं ऊपर देखता ही रहता हूँ यार, जाने नहीं दूंगा किसी भी बंदे को जो ऊपर से कूदेगा। फिलहाल अंदर की साइड कूदा वो कहीं पे, ये जो बिल्डिंग टूटी हुई है यहाँ पे अंदर जाना बहुत ईजी है, अंदर ही कहीं छुपा होगा गाइस। भरते हैं गाइस इसको भी, बट ये हाँ पीछे की साइड हो सकता है गाइस, ये अंदर नहीं गया, इस तरफ से मेरे को फुटस्टेप आया। अब मेरे को लग रहा था कि गाइस ये वाले मैच में शायद अगर हम सही से खेले तो चिकन डिनर हो सकता है, कोई ज़्यादा बड़ी बात नहीं है, छोटा सा मैच है एकदम, अगर सही से खेले तो हमको जाना था पीछे की साइड, वहाँ से फायरिंग आ रही थी, लेकिन फायरिंग फिर राइट की साइड से भी आती, मतलब इनकी टीम बटी हुई थी दो में, तो हम पहले ना लेफ्ट वाली साइड पहले चले जाते हैं, राइट वालों को छोड़ देते हैं क्योंकि लेफ्ट से ताज़ा फायर आया था। तो चलो इसको निपटाते हैं, कौन है ये बंदा देखते हैं, अंदर की साइड हो सकते कुछ बंदे, दिक्कत हो सकती है गाइस। अभी जो बंदा अंदर था ना गाइस, इसके बाकी के बंदे भी अंदर ही थे। बट कहीं ना कहीं यार ये गलती कर देते एक एक करके पीक लेने में, और ऐसे ही करके जो है ये देखो निपटते जा रहे हैं। तो चलो फिनिश कर देते हैं इनको एक एक करके, बट एक बंदा इनका बचा हुआ था गाइस, उसको निपटाना था क्योंकि वो सरदर्द बन सकता था, कहीं भी हो सकता था वो बंदा। सो हम जैसे यहाँ से गाड़ी पकड़ के निकले, हमने एक चक्कर लगाया इस वाले पूरे कंपाउंड का, एंड देन वो एक बंदे की फीलिंग मुझे आती है इस पीछे वाले घर से। कहीं ना कहीं मैंने देखा पीछे वाले की तरफ, लेकिन और अब देखो जब गाड़ी गुजरी ना गाइस, लिटरली वहाँ पे कोई तो बंदा लेटा हुआ था जिसके हल्का सा फुटस्टेप नहीं कह सकते, लेकिन एक एक अलग सा ही जो है साउंड आता है जब कोई रेंग रहा होता है ऐसा लेट के ज़मीन पे, वैसा वाला साउंड आया था, मैं समझ गया था पीछे हो सकता है बंदा, और निपटा दिया उसको। अदरवाइज जो है तीनों को ओपन में निपटा देता वो एक एक करके। फिलहाल जो है गाइस अगेन उस वाले ड्रॉप पे जाने की ट्राई करते हैं, मेरे को लग रहा है कि वहाँ पे बंदे हो सकते हैं गाइस, क्योंकि फायरिंग तो यहीं से आई थी, और तभी बंदे तो होते हैं गाइस, भर के होते हैं यहाँ पे। अब कभी कभी चिकन इतना ईजी नहीं होता गाइस। इस वाले होटलों पर अच्छे खासे बंदे थे गाइस, इस वाले होटलों पर नहीं बल्कि आगे भी थे, नॉक भी कर दिया था मेरे को, मैं रैव तो हो गया कुछ भी करके स्मोक्स वमोक्स डाल के, लेकिन बंदे अभी भी हैं, एक तो क्लोज है गाइस मेरे। फिलहाल गाइस यहाँ पे जो है उस तरफ वाले बंदों को मेरे टीममेट ने निपटा दिया है, एंड इधर की तरफ तो जो मैं था ही गाइस, ये एक बंदा भाग के आ रहा था ओपन में, इसको निपटा दिया। और जो आखिरी बंदा था उसको भी निपटा दिया ऊपर, इसको पता नहीं किसने 1 HP कर रखा था, बट एंड देन मार दिया इस बंदे को भी। सो अब हम यहाँ से निकल सकते हैं गाइस, फाइनली वेरी क्लोज टू चिकन डिनर, देखते गाइस बस अब काउंट डाउन करते रहो। तो एक बंदा गाइस इस तरफ भी आया, अभी अभी बाइक लेके आया, आपने सुना हो नहीं सुना हो लेकिन हाँ इधर ही है वो, और ये बेचारा पता नहीं कहाँ देख रहा था गाइस, इसके टीममेट कहाँ होंगे। सामने वाले घर में हो सकते हैं, एक बार चेकआउट करना पड़ेगा,
लेकिन उससे पहले जो है सबसे पहले यहाँ से गाड़ी निकालते हैं, वहाँ चेकआउट किया, वहाँ बंदा मिला ही नहीं, इधर मिलते हैं कुछ बंदे। आखिरी टीम तीन बंदे, हम तीन बंदे ओपन में, मतलब ये 4-3v4 था, ऐसा कुछ था गाइस। चार बंदे ये थे, तीन बंदे हम थे। फायरिंग हो रही थी गाइस, कुछ ओपन से मार रहे थे, कुछ घर के अंदर से, लेकिन अब आखिरी मैच था और ये चिकन डिनर के लिए बस इस टीम को निपटाना था। बट मेरे टीम मेट्स को देखो यार, अब मैं क्या ही कहूँ, देखो जरा। यहाँ पे किसी भी फ्रेम में मेरे टीम में नज़र ही नहीं आ रहे भाई, क्या कहूँ मैं।